रेस्टोरेंट ट्राई कर रही। मैं भी अभी हूँ महाराज बाजार के एरिया में, जहाँ जैसा कि आप सबको पता है आज जो है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन जो में होता है कि भाई बहन अपनी भाई की हथेली पे राखी बांधे, जिसका मतलब ये होता है कि वो उम्र भर उसकी रक्षा करेगा चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। हम अभी मौजूद है यहाँ बाजार में, मैं आपके कैमरा मैन से कहूँगी कि वो आपको ये विजुअल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के विजुअल में भी कैसे यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो शाना बशाना राखी भेज रहे हैं आपका कि हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ना हो राखी ढूंढने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 100 में से हर 50 दुकानदार के पास ये राखी अवेलेबल है। मेरा नाम पारुल है और जम्मू के रहने वाले हैं। आप मुझे बताएंगे कि आजकल जो दिन है रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके लिए कुछ बोलेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या होता है इस दिन? ये भाई बहन के जो पवित्र रिश्ते का ये इस दिन हम भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको मनाते हैं। उसके जो भी हम बहनें हैं अपने भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं और इससे ये प्रतीक होता है कि वो हमारी रक्षा करें हमेशा और उनका और हमारा जो संबंध है वो प्यार भरा बना रहे। ये बहुत पहले पुराने समय में हमारे जो कृष्ण जी हैं श्री कृष्ण जी उनने और द्रौपदी जी ने शुरुआत की थी। एक बार सुदर्शन चक्र से हमारे जो कृष्ण जी हैं भगवान उनकी जो अंगूठी उंगली थी उस पर लग गई थी, चोट लग गई थी और उस टाइम माता द्रौपदी जी ने अपनी चुन्नी का थोड़ा सा कपड़ा लेकर उनकी वो उस पर बांध दिया और उन्होंने कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो उन्होंने सिर्फ वो एक छोटा सा कपड़ा बांटा था, परंतु हमें जैसे याद है कि महाभारत के टाइम में द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ था, तो उस टाइम जो कृष्ण जी थे उन्होंने वही जो कलाई पर जो बांधी हुई वो चुन्नी थी वही उनको लपेटी और वो इतनी ज़्यादा लंबी लपेटी कि इतना प्यार था उनमें कि जितनी देर तक वो खींचते रहे वो थक गए, परंतु वो जो कलाई पर बांधी हुई जो उनकी साड़ी थी उसका कपड़ा खत्म नहीं हुआ। तो ये तब से भाई बहन का जो पवित्र बंधन है ये बंद चलता आ रहा है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है कि जिससे वो आगे जब भी समय आए या कभी भी उसकी बहन को उसकी आवश्यकता हो तो वो अपना जो जो भी सक्षम अनुसार वो उसकी सहायता करे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं जम्मू से। रक्षाबंधन की तैयारी? जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार है जिसमें ना बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसको बोलते हैं हम रक्षा सूत्र, जिसकी भाई की रक्षा के लिए बांधती थी बहन वो। तो आज मैं श्रीनगर आया हूँ, मेरे को यहाँ पे एक मेरी बहन मिली है, हमने राखी बांधी मेरे को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ नहीं, हिंदू धर्म के लोग मना सकते हैं, कोई भी अपनी बहन अपने भाई के लिए ये प्रे कर सकती है, उसको ये बांध सकती है, तो कोई भी बहन कौन से भी धर्म की हो वो रक्षा सूत्र बांध सकती है। मुझे बहुत फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि कोई बहन मुझे राखी बांध रही है। ऐसी मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी वहाँ पे एक मैंने खुद की बहन ऐसे माना हुआ किसी को, उससे राखी बांधवाता हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहन राखी बांधती है मुझे। क्या होती है कि जब वो एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो उसे एक बहन बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँ और एक बहन है वो अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। दीदी मुझे और मेरे कैमरा मैन शाह इस वक्त इजाज़त मिला।